बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक क्लास। हम लोग वापस आ गए हैं अपने बाकी काम को कंप्लीट करने के लिए। मुझे पता है कि मैंने काफ़ी टाइम के बाद ये लेक्चर अपलोड में कर रहा हूँ, वो इस वजह से क्योंकि मेरे पास एकेडमी में रश ज़्यादा हो गया था और बच्चों के एग्ज़ाम भी थे और उसके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा था, तो मैं लेक्चर डेली बेसिस पे अपलोड नहीं कर पाया। तो अब कोशिश करेंगे कि डेली बेसिस पे उसी तरह लेक्चर अपलोड होते रहें, और आपको अगर किसी टॉपिक में मसला है तो आप मुझे इन्फॉर्म करो, मैं उसे रिलेटेड जो है वो वीडियोस आपके साथ शेयर कर लूँगा। तो जहाँ पे हमने लास्ट टाइम पे चीज़ें स्टॉप की थी, दैट इज़ द मेकिंग ऑफ कोड, और हम पहुँच गए थे बेस 5 तक। तो आज हम उसी से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, और टुडे वी स्टार्ट द टॉपिक ऑक्टल नंबर सिस्टम। यहाँ पे अब वही चीज़ होगी जो हमने बेस 5 के लिए रखी थी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, क्रिएटिंग कोड, ब्रेकिंग कोड, ईच एंड एवरी थिंग विल बी रिमेन सेम। बट एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जो 5 के लिए किया था वो 8 के लिए तो आप कर रहे हो, लेकिन नंबर ऑफ डिजिट अब ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अब ज़रा यहाँ पे देखते हैं हमारे पास ऑक्टल नंबर में कितने सिंबल्स आ जाते हैं। हमारे पास 0 आ जाता है, 1 आ जाता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब याद रहे कि अब हमारे पास जो नंबर हैं वो एक्सीड कर चुके हैं 5, 6, 7 पे, जबकि जब हम 5 का कोड बना रहे थे तो हमारे पास नंबर की लिमिटेशन थी 4 तक। और ये जितने भी नंबर्स हैं इन्हें हम लोग कहते हैं सिंबल्स, और सिंबल्स इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये एक सिस्टम की आवाज़ सिस्टम के लिए हम इसे तैयार कर रहे हैं, और सारा जो सिस्टम है वो बेस किस पे करेगा, उसके नंबर के ऊपर, मीन दैट इज ऑक्टल। तो ये ऑक्टल के सारे सिंबल्स हैं। अब एक चीज़ माइंड में रखनी है, अगर तो नंबर इसी तरह के बीच में हमें मिलते रहे जैसे एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में या मल्टीप्लीकेशन में, तो हम इसको हल करेंगे, लेकिन अगर नहीं हुआ देन वी विल मेक अ कोड। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज कि ये कोड बनेगा कैसे। जैसे 5 के लिए था कि आपने 5 से कट डाउन करना है, तो सेम यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे, 8 से कट डाउन करेंगे। अब 8 के लिए क्या है, अगर वो नंबर टेबल में आता है वेल एंड गुड, नहीं आएगा जितना रिमाइंडर होगा हम उसको डैश लगा के बाहर निकाल देंगे। जैसे कि अब इसको कट डाउन करते हैं, दैट इज 89, और 89 को हम कैसे करेंगे, सबसे पहली चीज 8 का कोड, सो यू हैव टू राइट 8, देन 8 टाइम्स 1 8। अब नेक्स्ट है 9 है, 9 8 के टेबल में नहीं आता, लेकिन हमने फिर भी वही काम करना है कि जितना बचेगा रिमाइंडर बाहर निकालना है, सो 8 1 8, और रिमाइंडर कितना निकला आपका 1। नेक्स्ट अगेन 8 है, 8 से पहले मैं यहाँ पे 0 लगा दूंगा क्योंकि 8 के टेबल में 1 नहीं आता, तो ये 1 चला जाएगा नेक्स्ट 1 के पास और ये बन जाएगा 11, देन 8 1 8, अब रिमाइंडर कितना निकलेगा 3। ओके, हमारा जो आंसर यहाँ तक स्टॉप हो गया क्योंकि अब जो भी नंबर आया वो 8 से नीचे की तरफ ही, तो स्मॉल है, तो हम यहीं पे स्टॉप करके कोड बनाएंगे, और उसका कोड क्या बनेगा, 1 3 1, एंड उसके बाद बेस 8। याद रहे क्लास, हम यहाँ से टेल से हेड की तरफ सारे नंबर उठाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग नहीं करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल पे चलते हैं, यहाँ पे आपके पास है फर्स्ट डिजिट 3। अब 8 के टेबल में 3 नहीं आता, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 0 पुट कर देंगे। अब ये 3 किधर चला जाएगा, 2 के पास, एंड देन इट विल मेक अ 32। अब 8 के टेबल में हमने 32 ढूंढना है, सो 8 4 32। नेक्स्ट 8 के टेबल में 5 नहीं आता, तो मैं उस 5 की जगह लगा दूंगा 0। अब ये 5 जुड़ जाएगा 9 के साथ, इट विल मेक अ 59। और 8 के टेबल में जब हम 7 तक पढ़ते हैं टेबल, तो हमें मिल जाता है 54। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर निकलेगा दैट इज 54 एंड देन 5। ओके, नाउ अब इस चीज को हमने माइंड में रखना है कि ये जो 4 है ये भी 8 के टेबल में नहीं आता, तो जैसे 3 8 के टेबल में नहीं था तो हमने क्या रख दिया 0। तो सेम यहाँ पे भी ये काम करेंगे, 4 नहीं आता तो 4 के नीचे रखेंगे 0, ताकि 4 चला जाएगा 0 के पास, इट विल मेक 14। यहाँ पे हम वो काम कर लेते हैं 8 0 0, अब 4 चला गया 0 के पास, इट विल मेक 40, एंड देन 8 5 40। अब नेक्स्ट जो 8 देख रहा है दैट इज 7, और 7 उसके टेबल में नहीं आता, तो हम यहाँ पे अगेन वही काम करेंगे 0। अब आगे कोई नंबर नहीं, 7 जिसके पास चला जाए तो 7 रिमाइंडर में बाहर आ जाएगा, और हम ये 7 लिख सकते हैं इस वजह से क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 7 की गुंजाइश है, 7 लिख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट
8 के टेबल में 5 नहीं आता तो यहाँ पे क्या लिखोगे 0, और 5 चला जाएगा 0 के पास, इट विल मेक अ 50, और 8 के टेबल में 50 से छोटा नंबर दैट इज 48, सो 86 का 48, रिमाइंडर कितना निकला 2। अब ये जो 6 है वो 8 से छोटा हो चुका है, तो हम यहाँ पे स्टॉप करके इनके जितने भी रिमाइंडर्स हैं उनको पिक करेंगे फ्रॉम टेल टू हेड। तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 2, 7, 5 ब्रैकेट क्लोज एंड देन बेसिक। काफी इजी है ये क्वेश्चन, सिर्फ आपको क्या करना है, कुछ चीजों का आपने माइंड में तरीके का रखना है कि आपने सिंगल सिंगल डिजिट से ही स्टार्ट करना है। अगर वो नंबर आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है नॉट टू वरी, आप उसके नीचे जीरो लगा दोगे ताकि वो नंबर नेक्स्ट के साथ जुड़ के एक बड़ा नंबर बना ले। ओके, मूविंग टूवर्ड द ब्रेकिंग ऑफ कोड, अभी काम करते हैं इसी नंबर को उठाते हैं और चेक करते हैं जो हमने 89 का कोड बनाया है क्या यही इसी के पीछे 89 छुपा है कि नहीं छुपा। तो यहाँ से हम एग्जाम्पल उठा लेते हैं, दैट इज 1, 3, 1, base 8। याद रहे क्लास के इसके पीछे जो नंबर है दैट इज 89, और हमने ये चीज साबित कर ली। आप करेंगे कैसे, स्टेप विल बी रिमेन सेम जिससे हम लोगों ने बेस 5 और बाइनरी में किया था कि सबसे पहले आप इस नंबर को ब्रेक कर दोगे, ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, जिस बेस पे हमने इसको बनाया था उस बेस को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई हो गया, अब पुट करेंगे पावर्स, जीरो 1, 2 यहां तक डन हो गया, और इनके दरमियान का जो गैप है उसको फिलअप कर देंगे एडिशन के साइन से। बस हमारा काम इतना था, रिवाइज कर रहा हूँ क्या करना है। सबसे पहली चीज कि आपने नंबर के गैप देख के वहां पे प्लेस करना है, सेकेंड जिसका कोड था उस बेस को आप इनके साथ मल्टीप्लाई करोगे हर एक डिजिट के साथ, थर्ड आप उन 8 के ऊपर वो उसकी पावर भी प्लेस करोगे स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड देन ऑल द नंबर विल बी अ पॉजिटिव, इट शुड बी अ पॉजिटिव, ठीक है। और उसके दरमियान का जो गैप है वो किससे फिल अप कर दोगे एडिशन के साइन से। अब जरा चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे, तो सबसे पहले चीज जो है माइंड में ये है कि आपने इनको पावर वाइज पहले ओपन कर लेना है। सो 8 के ऊपर पावर 2 है, इट्स मीन कि 8 को 2 दफा आपने मल्टीप्लाई करना है। सो 8 8 64, यहां पे आ जाएगा 1 times 64 प्लस 8 के ऊपर 1 है, इट्स मीन 3 times 8 प्लस 8 के ऊपर पावर 0 है एंड देन 1 times 1। याद रहे, फिर से रिवाइज कर रहा हूं कि जो भी पावर 0 शो करेगा वो डिजिट या वो वेरिएबल किसके बराबर हो जाएगा 1 के। अब आगे फर्दर चलते हैं, 164 जा 64, 83 जा 24 एंड 111 जा 1। अब 24 एंड 64 इन दोनों को अगर आप प्लस करते हो तो आपके पास आ जाएगा 88, और 88 में अगर आप 1 प्लस करते हो दैट इज 89, और इसका मतलब है कि ये वाकई में 89 का कोड ही बनता है। ओके, मूविंग टुवर्ड द एडिशन सेक्शन, यहाँ पे हमने सिर्फ माइंड में रखना है अगर तो नंबर इनमें से आ जाता है तो आप वो लिखोगे, और अगर वो इसको एक्सीड करता है तो आप उसका कोड बनाओगे। याद रहे जितने उसमें 8 बनेंगे वो उतने ही काउंट करके हम आगे कैरी करते रहेंगे, जो रिमाइंडर रह जाएगा जो 8 नहीं बन रहा वो हम लिख देंगे। खैर वो ऐसे ऐसा आपको क्लियर हो जाएगा, सिर्फ फोकस आपने यहाँ पे रखना है। अब यहाँ पे देखो कि 6 में 4 प्लस करना है तो प्लस करने से बनता है 10, जबकि यहाँ पे 10 बिल्कुल नहीं है। तो अब 10 में कितने 8 आते हैं, 1 8 आता है, तो वो जो 1 है उसको आप आगे कैरी करोगे। ये जो 1 बना है इट्स मीन कि यहाँ पे 1 दाना 8 कंप्लीट था, ठीक है। उसके बाद कितना रिमाइंडर रह जाता है 10 में से, अगर मैं 8 निकाल दूं तो 2, वो 2 आप यहाँ पे लिखोगे, काफी इजी है। नेक्स्ट 1 plus 5 6 6 plus 3 9, अब 9 में कितने 8 आते हैं, अगेन 1 8 आता है, उसके लिए हम 1 बना के कैरी करेंगे, और 8 अगर मैं 9 से निकाल दूं तो बाकी कितने रहेंगे, तो बाकी रह जाएंगे 1, ठीक है। नाउ 1 plus 3 4, और 4 यहाँ पे अलाउ है लिखने के लिए, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 4 एंड देन ब्रैकेट क्लोज बेस 8, काफी इजी था। नेक्स्ट पे चलते हैं, 4 plus 1 5, यहाँ पे अलाउ है मुझे, 3 plus 2 5, ये भी अलाउ है, 0 plus 7, ये भी अलाउ है 7, लेकिन 5 plus 6 that is 11, और 11 यहाँ पे अगेन नहीं है। तो क्या करेंगे, 11 के अंदर देखेंगे कितने 8 हैं, तो 11 के अंदर
हमें एक दाना 8 मिल जाता है और बाकी जो रिमाइंडर है दैट इज 3। तो इस 8 को हम कन्वर्ट कर देंगे 1 के अंदर और रिमाइंडर हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब आगे कोई नंबर है तो नहीं, तो इसका मतलब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर कैरी देने के बजाय साथ ही इसको प्लेस करेंगे एंड देन क्लोज द ब्रैकेट। लास्ट को देख लेते हैं, 3 + 4 = 7 हम लिख सकते हैं, 4 + 4 = 8। अब 8 खुद आया, यहाँ पे 8 अलाउ नहीं है, तो हम इसका कोड बनाएंगे तो कोड बनेगा 0, क्योंकि सारा 8 निकल आया तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं रहेगा, तो इस वजह से क्या आ जाएगा 0। और हमने क्या निकाला था, 1 8, तो 1 की शक्ल में आके कैरी हो जाएगा। 1 + 6 = 7, 0 + 6 = 6, 5 + 6 अगेन 11, और 11 का कोड था 1 3। ठीक है, अब चलते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। सब्ट्रैक्शन कहता है कि अब आप अगर कैरी लोगे तो आपने उसको 1 की शक्ल में कैरी नहीं देना, अब आप उसको 8 की शक्ल में कैरी दोगे। कैसे, अब 3 में से 6 नहीं जाता तो आप क्या करोगे, 3 के लिए कैरी लोगे, लेकिन जो 7 कैरी देगा, 7 तो 6 होगा लेकिन इस 3 के लिए क्या, तो हम कहते हैं 8 की शक्ल में वो बन जाएगा और 3 के साथ प्लस होगा। याद रहे जब हम आगे शिफ्ट कर रहे थे तो 1 की शक्ल में हो रहा था, लेकिन जब आप कैरी दोगे तो वो 1 की शक्ल में जाके इधर इसके साथ जुड़ेगा नहीं, वो 8 की शक्ल में चला जाएगा और इस डिजिट के साथ प्लस होगा। नाउ 8 + 3 = 11, 11 में से मैं 6 निकालूंगा तो आपको मिलेगा 5। ठीक है, अगेन 6 में से 4 निकाला 2 एंड देन ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट 0 में से 3 नहीं निकलता, 0 इससे हेल्प लेगा और इसके पास भी डिजिट नहीं है, ये 0 इस 2 से हेल्प लेगा, तो 2 अपना 1 इसको पास करेगा इन द फॉर्म ऑफ 8, तो 8 + 0 अगेन 8, तो 8 अपने आप से 1 कैरी देगा इसको, ये भी चला जाएगा 8 + 0 और ये बन जाएगा 7। सो 8 में से 3 निकाला दैट इज 5, 7 में से 7 गया दैट इज 0, 1 में से 1 गया अगेन 0। ठीक है, आई होप काफी हद तक क्लियर हुआ होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल। याद करते हैं, एडिशन में आप लोगे तो 1 जाएगा और सब्ट्रैक्शन में लोगे तो 1 के बदले में 8 वापस आएगा। ठीक है, अब चलते हैं मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन का रूल सेम है, मल्टीप्लाई करते हुए अगर नंबर बड़ा बना तो हम कोड बनाएंगे, प्लस करते हुए नंबर बड़ा बना तो भी कोड बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन। 1 7 = 7, 1 4 = 4, 1 3 = 3। नेक्स्ट, सबसे पहले आप क्रॉस लगा दोगे क्योंकि आपका फर्स्ट डिजिट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट 7 7 = 49, आप 49 इसमें कितने दाने 8 आते हैं, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास 6 8 यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, जबकि 1 आपका रिमाइंडर रहेगा। तो आपने करना क्या है, इस 1 को आप लिखोगे और जो 6 दाने 8 थे वो यहाँ पे आप कैरी दोगे। याद रहे आपने काउंट करने कितने 8 इसके अंदर आ सकते हैं। अब नेक्स्ट 7 4 = 28, 28 + 6 = 34, और 34 में कितने 8 आ जाते हैं, 34 में आपके पास 4 8 आ जाएंगे और उसके बाद रिमाइंडर कितना निकलेगा, 2। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, काम क्या करना है, इस 2 को यहाँ पे प्लेस कर देना है और 4 को नेक्स्ट कैरी के लिए रख देना है। अगेन 7 3 = 21, 21 + 4 याद रहेगा 25, और 25 में आपके पास 3 8s आ जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, उस 3 के लिए आगे कुछ नहीं है तो 3 यहाँ पे लिखा और रिमाइंडर कितना निकलेगा, That is 1। ठीक है, यहां तक हो गया 7 का मल्टीप्लिकेशन। अब आ जाते हैं थर्ड के लिए, सबसे पहले 2 क्रॉस लगा देंगे और अब 2 की बारी आ जाएगी उसे, तो 2 7 = 14, और 14 में आपके पास कितने 8 आ जाते हैं, ओनली 1, क्योंकि उसके नेक्स्ट 8 के लिए 16 होना लाजमी था। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि 14 में से अगर मैं 8 निकाल देता हूँ तो मेरे पास रह जाते 6, तो 6 हो जाएगा मेरे लिए एज अ रिमाइंडर और 8 चला जाएगा 1 की शक्ल में आगे कैरी। So, 2 4 = 8, 8 + 1 = 9, और 9 में कितने 8 आते हैं, 1, तो मैं एक 1 रिमाइंडर और 1 8 कैरी कर दूंगा। याद रहे जो 8 बनेगा कैरी पे जाएगा और जो रिमाइंडर है जो बच रहा है वो लिखा जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या है, 2 3 = 6, 6 + 1 = 7, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 7। ओके, अब जितने भी डिजिट मैंने यहाँ पे लिखे सारे के सारे जो हैं वो बेस 8 में काउंट होते हैं, इसके अलावा कोई भी बड़ा नंबर बनेगा हमने देखना है कि वहां पे कितने 8 आते हैं, उतने 8 हम उसको यहाँ तक कैरी की शक्ल में आगे पास करेंगे और जो रिमाइंडर होगा उसको हम नीचे लिखते हुए जाएंगे।
अब बारी आ जाती है एडिशन की, तो प्लस करते हैं 7 का, एज इट इज 7, 4 प्लस 1, 5, 3 प्लस 2, 5, 5 प्लस 6, 11, और 11 का कोड हमने बनाया था 13, मीन्स 3 रिमाइंडर और 1 कैरी, 1 प्लस 1, 2, 2 प्लस 1, 3, यहाँ पे आ गया 3, एंड देन 3 प्लस 7, 10, 10 हम लिख नहीं सकते, तो इसका कोड बन जाएगा 1 एंड 2, ठीक है। और लास्ट में अपने क्या करना है, इसको ब्रैकेट दे देनी है, जिस पे ये पता चल जाएगा दिस इज द कोड ऑफ 8। ओके क्लास, तो दिस इज द लेक्चर ऑफ द ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो कोई भी मसला हो बेटा, आप मुझे बिल्कुल बेझिझक आप मुझे बता सकते हो कि मुझे मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम है, मुझे सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम है, एडिशन में प्रॉब्लम है। मैं आपके साथ नोट्स शेयर कर दूंगा इसी वीडियो के एंड में, कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं, सिर्फ आप वीडियो को पॉज करो, वहां पे चेक करो, और अगेन अगर यू आर फेलिंग द सेम प्रॉब्लम तो आप मुझे इन्फॉर्म करो, आई विल मेक द सेम लेक्चर ऑन डिफरेंट क्वेश्चंस, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।